Hi Chakit, can you tell me when you went to New Zealand for higher education, how was your journey, and when you sent students abroad, what do you feel the difference between that time and then this period? Oh, this is something I wanted to talk about from very long time. When I went abroad, I was just a naive student. 16-17 साल का था मैं, मेरे पास इतनी गाइडेंस नहीं थी। गाजियाबाद से हूँ मैं, छोटे सा शहर दिल्ली के पास है, बट वहाँ पर कोई कंसल्टेंट नहीं था। जिस टाइम पे मैं गया था 2007 में, एक भी कंसल्टेंट नहीं था। मैं सिर्फ 12वीं क्लास से बच्चा था। मुझे कहीं से पता लगा कि एक होटल में सेमिनार हो रही है जहाँ से अमेरिकन स्कूल ऑफ एविएशन वाले आ रहे हैं और वो वहाँ पे सेमिनार दे रहे हैं। अब अमेरिकन स्कूल ऑफ एविएशन वाले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब मैं क्लास 12 में था, मसूरी में बोर्डिंग स्कूल में, तो वहाँ पे जितने भी मेरे यार दोस्त थे उन सबको लगता था कि पायलट अगर आप बन जाओगे तो ये सबसे सॉर्ट आउट करियर है, जो कि है भी। बट क्योंकि वो पेयर प्रेशर इतना था तो लगा कि यार मुझे भी ये करना चाहिए, जबकि मैं साइंस में इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। मेरा जो अंदर से जो था वो था बिजनेस और बाहर से जो था वो था साइंस, क्योंकि मुझे पेयर प्रेशर में मैंने भी PCM ली थी। जैसे जैसे मैंने वो पास किया और फिर मैं लग गया इस दौड़ में कि मुझे पायलट बनना है, जबकि वो मेरे अंदर से आई हुई आवाज़ नहीं थी। इस पूरी दौड़ में मुझे कोई नहीं था गाइड करने वाला। जहाँ पर भी रिसर्च किया वो खुद से किया। किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे वो तो अपना ही बेचना चालू कर देंगे, वो जो कि करते भी हैं। तो यहाँ पर आपको खुद से ये समझना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो, आपके करियर किस उसमें बन सकता है और मार्केट की रिक्वायरमेंट, आपके जो स्किल्स हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप उसको रियलिटी के पास रखोगे उतना ज़्यादा आप सक्सीड हो पाओगे। तो जो मैंने महसूस किया वो यही महसूस किया कि आज की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो चुकी है। हम लेटर के ज़माने से आज की डेट में रील के ज़माने पर आ गए। हमें किसी को कुछ भी मैसेज पहुंचाना है, इट इज़ जस्ट अ ब्लिंक ऑफ एन आई कि आपने अपने फेस टाइम दबाया, व्हाट्सएप कॉल दबाया एंड यू आर इन टच विद दैट पर्सन। मुझे याद है जब मैं न्यूजीलैंड में था तो $10 का कॉलिंग कार्ड लेते थे जिसमें कि 1-1.5 घंटा बात होती थी, यानी कि 500 रुपये में आप 1 घंटा बात कर पाओगे। आज की डेट में 500 रुपए के रिचार्ज में पूरे महीने लगातार अनलिमिटेड बात कर सकते हो। ये जो ट्रांजिशन है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है। इससे क्या हो रहा है कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। बच्चे को पता ही नहीं लग रहा है कि भाई मैं ये करूँ या वो करूँ। आपने पास से सीखकर प्रेजेंट में वो डिसीजन लेना है जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। मीन्स कि आपको ऐसे कोर्सेज में जाना चाहिए, ऐसे स्किल्स एक्वायर करने चाहिए जो कल भी रेलेवेंट थे, आज भी रेलेवेंट है और जो फ्यूचर में और ज्यादा रेलेवेंट होंगे। और उसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो आप जितना नजदीक रहेंगे टेक्नोलॉजी के, उतना ज्यादा आपके जीवन में सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मेरी एडवाइस है, यही मैंने अभी तक नोटिस किया है और यही मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिए नजदीक रहोगे उतना ज्यादा आप बेनिफिट उठा पाओगे। तो अब जब मैंने बिजनेस किया है और मैं खुद एक कंसल्टेंट हूँ, तो मैंने इस चीज़ का प्रण लिया है और उस पर मैं अमल रहूँगा कि मुझे वो सारी प्रॉपर गाइडेंस देनी है बच्चों को, जिससे कि जो मेरे स्ट्रगल थे कि मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मुझे कौन से कोर्स में जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, किस कंट्री में जाना चाहिए, तो वो आपको कमी महसूस ना हो। आप चाहे मुझे छोटा भाई मानो, चाहे बड़ा भाई मानो, चाहे आप कंसल्टेंट मानो या कुछ भी मानो, उससे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करने का वो चेंज नहीं होगा कि मुझे आप लोगों को सही से गाइड करना है। गाइड क्या करना है कि आपको वो हर पॉसिबल मदद जिससे कि आपका करियर अच्छा बने वो देना है। मुझे 2007 में जब मैं गया, उसके बाद 2008 में आया मेरा छोटा। जब वो आया तो उसको मैंने गाइड किया, उसका वीज़ा अप्लाई कराया, स्टूडेंट वीज़ा से लेके आज वो वहाँ पर सिटीजन है, उसने घर खरीदा है, अपने सारे अरमानों को पूरा किया है। वो कैसे? कि उसको सही गाइडेंस मिली। और जब अब मैंने खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कि अब मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए ये करते हुए, तो मैंने यही ऑब्जेक्टिव रखा है शुरू से लेके अब तक कि मुझे हर बच्चे को अपने छोटे भाई की तरह ही गाइड करना है कि उनकी लाइफ में वो कोई चैलेंज ना आए जो मेरी लाइफ में आया है। उनको वो सारी गाइडेंस मिलनी चाहिए जिससे कि आपका करियर बने। और ये करने के लिए मैंने ये जो पूरा एफर्ट एनर्जी लगाई है, मेरे काउंसलर्स भी उसी डायरेक्शन में आपके साथ लगे हुए हैं कि आपके बच्चे के हिसाब से, आपके खुद के करियर के हिसाब से जो भी बेस्ट है वो आपको मिले, जिससे कि अगले 5 साल बाद जब आप कभी मुझे मिलोगे तो आप सिर्फ ये अप्रिशिएट करोगे कि हाँ आपने ऐसा गाइड किया कि आज हमारा करियर जो है, हमारा बच्चा जो है वो सेटल। तो मेरी यही आपसे एडवाइस है, यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी डिसीजन लें तो डिसीजन लेने से पहले एक बार कंसल्ट जरूर करें, जिससे कि आपको ये पता लगेगा जो क्वालिटी है काउंसलिंग की कि किस तरीके से आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन क्या मिल सकता है, जिससे कि आपका करियर जो है वो बेहतरीन बेहतरीन तरीके से सिक्योर हो सके। आप एक ऐसी एडवाइस क्या देना चाहोगे फ्यूचर स्टूडेंट्स? मेरी जो सबसे पहली रिक्वेस्ट और एडवाइस है किसी भी फ्यूचर स्टूडेंट को वो ये है कि आप एक बार हमसे कंसल्ट करो, डिस्कस करो कि आप चाहते क्या हो। आपकी फंडिंग में प्रॉब्लम है, आपके गैप में प्रॉब्लम है, आपके आईएलएस में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नहीं भी है, आपकी बेस्ट प्रोफाइल है 7.5 आईएलएस में है, आप कोई ऐसा कोर्स ना चूज करो जिससे कि आगे जाके आपको जॉब ही ना मिले और पीआर ना मिले। इसके लिए बेस्ट गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे एडवाइस यही है कि आप ऐसे कोर्स में जाओ जिसमें कि आपको जाकर कभी भी स्ट्रगल ना महसूस करना पड़े। जो स्ट्रगल मैंने लिया है, पायलट ट्रेनिंग का कोर्स जो है वो बेस्ट कोर्स है। 6 से 7 लाख रुपए सैलरी होने के बावजूद भी मैंने अपना करियर चेंज किया, क्योंकि वो मेरा खुद का स्किल नहीं था, वो एक ऐसा कोर्स था जो मैंने किया। बट उसके बाद जब मैंने बिजनेस मैनेजमेंट किया, मुझे खुद से रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग व्हाट आई रियली वांट टू डू, और आज की डेट में मुझे 10 साल हो गए हैं ये प्रोफेशनली करते हुए। तो इस तरीके से आपको भी जो करना चाहिए आपकी स्किल्स के हिसाब से वो आपको चूज करना चाहिए, और जब आप वो करोगे आपको बहुत मजा आएगा, आप बहुत हैप्पी होगे और बहुत सक्सेसफुल होगे। तो यही मेरी आपके लिए एडवाइस है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू एसी। टेक केयर, बाय बाय।